जागृत दलित आदिवासी संगठन की नेत्री माधुरी बहन ने केंद्र सरकार के किसान बिल को किसान विरोधी बताया है और किसान आंदोलन का समर्थन किया है। AL24 न्यूज चैनल से विशेष बातचीत में माधुरी बहन ने कहा कि खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, जबलपुर सहित मध्य प्रदेश में आदिवासी किसानों ने किसानों के लिए काले कानूनों का विरोध कर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जो किसान दिल्ली की बॉर्डर पर डटा हुआ है वह तब तक नहीं हटेगा जब तक केंद्र सरकार इस बिल के तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती। खंडवा से प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। मैं जागृत आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता हूं और हमारे संगठन ने बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन जिलों में अभी आंदोलन किया है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी किसान देश के किसानों के साथ जुड़कर वही मांग कर रहे हैं जो दिल्ली के बॉर्डर से उठ रहा है। बात यह है कि किसान कर्ज में इसीलिए डूबा हुआ है और इसीलिए जो है ना लाखों के तादाद में आत्महत्याएं हो गई हैं किसानों की, क्योंकि किसान को पूरा भाव अपने फसलों का नहीं मिलता है। 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के घोषणा पत्र में एक वादा था और वो वादा बार बार दोहराया गया कि सत्ता में आते ही मोदी सरकार स्वामीनाथन आयोग, किसान आयोग की सिफारिश के अनुसार लागत पर 1.5 गुना जोड़कर भाव किसानों को दिलवाएगी। अब वो काम आज तक नहीं हुआ है। समर्थन मूल्य थोड़ा बहुत बड़ा है लेकिन जिस तरह से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी उस तरह से बड़ा नहीं है। और दूसरा, समर्थन मूल्य कागजों पर बढ़ने के बाद भी किसानों को वो भाव नहीं मिल रहा है, अभी मौजूदा समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो इसमें किसान मांग रहे हैं, हमारे साथी जो आदिवासी किसान हैं वो मांग रहे हैं कि हमें कानूनी गारंटी चाहिए कि किसान आयोग की सिफारिश के तहत हमें फसलों का भाव मिलेगा। उल्टा ये सुनिश्चित करने के बजाय बहुत अफसोस की बात है कि मोदी सरकार उल्टा काम कर गई। उन्होंने पूरे अपने पल्ला झाड़ते हुए किसानों को पूरी तरह से कंपनी और व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया इन तीन कानूनों के चलते। इससे किसान पूरे तरह से लाचार, कंपनियों के गुलाम ही बन जाएंगे। कंपनी, बड़े व्यापारी जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं, देश की कंपनियां भी हैं, उनके सामने हमारे किसान कैसे टिक पाएंगे। तो हमारा जो कृषि व्यवस्था है जिस पर देश आधी आधी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, उस आधी आबादी का ये बहुत बड़ा के सर पर ये बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हमको ये सोचना है कि जब किसान जब कह रहे हैं कि सरकार को किसान के हित के लिए खड़ा होना चाहिए अगर लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसके विपरीत सरकार ये कह रही है इन तीनों कानून और बिजली बिल के संशोधन के साथ, ये कह रही है कि भाई कंपनी राज चलेगा इस देश में, कंपनी जो कहते हैं, व्यापारी जो कहते हैं वो हमको वही मानना पड़ेगा। ठेका खेती का मतलब क्या है कि किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। जमाखोरी का पर रोक हटाने का मतलब यही हुआ कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन का भाव आसमान छूता जाएगा और अपन कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जमाखोरी के तहत जो है माल बाजार में उतारा जाएगा या रोका जाएगा। जो मंडी को बाईपास करने वाला कानून है उससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आदिवासी किसान, छोटे किसान जो आज तक उनको मंडी का पूरा फायदा नहीं मिल पाया है, वो आस लेके बैठे हैं कि हमको भी मंडी में पूरा भाव मिलेगा, लेकिन अब उस पे पानी फिर गया है और पूरा मंडी व्यवस्था चौपट करके मतलब निजी व्यापार को बढ़ावा दिया गया है। सरकारी खरीदी अगर बंद होगी तो राशन व्यवस्था भी खत्म होगा। ये छोटे किसान और खेत मजदूरों के लिए ये बहुत बड़ा संकट के ऊपर ही बहुत बड़ा संकट खड़ा है। इन तमाम चीजों को देखते हुए आज छोटे किसान, सीमांत किसान, खेत मजदूर भी इस देशव्यापी आंदोलन में जुड़े हैं और वो भी यही चीज कह रहे हैं कि हमको हमारे फसलों के भाव का गारंटी चाहिए स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के मुताबिक 1.5 गुना भाव, लागत का 1.5 गुना, और
ये जो किसान विरोधी जो कानून है, इन किसान विरोधी कानूनों को तुरंत रद्द किया जाए। हम व्यापारी के गुलाम, व्यापारी के मोहताज नहीं रहना चाह रहे हैं। सरकार हमारे लिए खड़ी होनी चाहिए, न कि बड़ी कंपनियों और व्यापारियों के लिए। ये ही लोकतंत्र है, हम देश के आधी आबादी हैं, और सरकार हमारे लिए खड़े होने के बजाय बड़े कंपनियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए क्यों खड़ी है? ये कैसा कल्याणकारी सरकार है, ये कैसा विकास है? ये कहते हुए हम आदिवासी किसान भी मध्य प्रदेश में जगह जगह इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।